आज हो गया है ट्यूसडे और शाम के 4 बज गए हैं। जस्ट अभी मैंने एक वीडियो अपलोडिंग पे लगाया है। आज वीडियो अपलोड करने में ना मुझे लेट हो गया, तो एक्चुअली एडिट नहीं हो पाया था, तो इस वजह से अपलोडिंग पे भी नहीं लगा पाई। तो अभी मैंने एडिट करके कंप्लीट किया है और अपलोडिंग पे लगा दिया है। तो व्लॉग जो है आपको मिलेगा वेडनेसडे को, और ये बेबी के फर्स्ट मंथ बर्थडे वाला व्लॉग है जो कि बहुत ही स्पेशल है और आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा। ये जब व्लॉग आएगा इससे पहले आप लोगों ने ये देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर चेकआउट करना, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं सोई हुई थी, फिर मेरी नींद खुल गई तो मैंने वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे लगा दिया है। और मम्मी बाहर हॉल में सो रहे हैं, हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस, उनका मंडे को ऑफ था कल, तो कल हमने फोटोशूट वगैरह किया और फुटप्रिंट्स वगैरह ना हम लेने की कोशिश कर रहे थे, ले नहीं पाए, तो अभी हमने वो वैसे ही रखा हुआ है क्ले, किसी और दिन हम लेंगे वो, जिस दिन अच्छे से हो पाएगा। और स्वास्तिक अभी सो रहा है, बीच बीच में कुछ कुछ आवाजें करता रहता है नींद में, तो अभी वो नींद में है इसलिए मैं धीरे धीरे भी बोल रही हूँ। आज हमें ना पंजीरी भी बनानी है, सुबह से हम सोच रहे थे बनाएंगे लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ी बहुत तैयारी हमने करके रखी हुई है, थोड़ी बहुत अभी मुझे तैयारी और करनी है, तो मम्मी और मैं मिलके बनाएंगे अगर टाइम मिला तो, अगर बेबी ने बनाने दिया तो, अदरवाइज फिर कल ही बनाएंगे। और फिर मालिश वाली भी आ जाती है ना शाम को, तो फिर 1 घंटा तो उसमें चला जाता है, तो टाइम नहीं हो पाता है, तो टाइम मैनेज करके कुछ करना पड़ेगा इस तरह से। तो फिलहाल जो है कुछ कपड़े सूखे हुए थे बेबी के, स्वास्तिक के, बार बार ना बेबी बोलने की आदत है, हम लोग स्वास्तिक नहीं बोलते क्योंकि लंबा सा नाम लगता है अभी बोलने में, तो इसलिए हम लोग बेबी बाबू कुछ भी बोल देते हैं। तो कपड़े सूखे हुए रखे हैं, ये मुझे फोल्ड करके रखने हैं और बाकी छोटे मोटे काम हैं जो करने हैं। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और काम करते हैं, और मुझे अपने इवनिंग स्नैक्स की तैयारी करनी है। वैसे मैंने दलिया भिगो के रखा है तो मैं सोच रही हूँ दलिया बनाती हूँ। वैसे तो मैं दूध भी पीती हूँ और प्रोटीन मिल्क पीती हूँ शाम के टाइम पे, कभी कभी एग बॉईल कर लेती हूँ, लेकिन आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को मैं एग बॉईल करके नहीं खाती हूँ, एग वगैरह नहीं खाती हूँ ट्यूसडे को, तो आज मैं दलिया बनाने का सोच रही हूँ। मॉर्निंग में भी दलिया बनाया था, मुझे दलिया बहुत अच्छा लगता है, मीठा दलिया ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, डेली मेरा ब्रेकफास्ट यही रहता है। ओट्स मैं कम बनाती हूँ, दलिया ज्यादा बनाती हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी। मेरे पास कमेंट आया था कि दलिया आपका बहुत अच्छा लगता है, कैसे बनाते हो शेयर करना, तो वो नेक्स्ट वाले व्लॉग में शेयर करूंगी। फिलहाल मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ और उसके बाद दलिया बनाती हूँ। तो सबसे पहले जो सूखे वाले कपड़े हैं उनको मैं फोल्ड कर दूंगी और बेड को थोड़ा सा ठीक करूंगी। वैसे ही रजाई और ब्लैंकेट जब मैं दोपहर में सोती हूँ ना तो मैं भी ओढ़ के सोती हूँ, और स्वास्तिक के ऊपर भी रख डाल देती हूँ थोड़ा सा। वैसे ये हैवी वाले नहीं है, हल्की वाली रजाई है, तो इनसे इतना ज़्यादा भारी नहीं लगता है और गर्म भी होता है, तो इसलिए हम लोग यही वाला ओढ़ते हैं। और बाकी सारे कपड़े फटाफट से मैं फ़ोल्ड कर दूंगी और उसके बाद बाकी के काम करूंगी। तो जिस टाइम पे ये सोता है ना उसी टाइम पे सारे काम करने पड़ते हैं, जब भी टाइम मिलता है हाथ मशीन की तरह चलाने पड़ते हैं जब स्वास्तिक सोता है। तो कुछ कपड़े स्वास्तिक के थे, कुछ कपड़े मम्मी के थे, सारे एक साथ में फ़ोल्ड करके रख दूंगी। तो दलिया खाने के बाद मैंने चाय रख दी है मम्मी के लिए, मम्मी चाय पियेंगी। और दूसरी तरफ हमने जो खड़े मसाले धूप में सुखा के रखे थे ना, तो इनको मैं ग्राइंड करके रख लूँगी। और पंजीरी बनाने का प्लान हमारा आज शाम का ही था, लेकिन फिर शाम को टाइम नहीं मिल पाया तो कुछ चीज़ें हमने ग्राइंड करके रख दी थी, बाकी पंजीरी हमने नेक्स्ट डे बनाई थी, वो मैं आगे आपको क्लिप में दिखाऊंगी। तो फिलहाल जितना टाइम हो पाया उतने टाइम में हमने ये सारी चीज़ें ग्राइंड करके रख दी थी, तो मम्मी और मैं दोनों मिलके काम कर रहे थे। और यहाँ पे मेरा दलिया भी ठंडा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं खाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, हल्का सा गर्म था। तो मैं खाते खाते काम भी कर रही हूँ और बातें भी कर रही हूँ, मम्मी मेरे को बता रही हैं कि पंजीरी में क्या क्या पड़ता है और किस तरह से पड़ता है।
लोग कर रहे हैं पंजीरी बनाने की तैयारी, और एक पार्सल और आया है अमेजोन से, इसको सैनिटाइज कर दिया है। और इसमें एक्चुअली डायपर्स हैं, आजकल अमेजोन से और कुछ नहीं आता, सिर्फ डायपर्स आते हैं, तो मैंने और मंगा के रखा है। तो एडवांस में मंगाना सही रहता है, क्योंकि ख़त्म हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, सर्दियों के दिन है तो इसलिए मैं एडवांस में मंगा के रखती हूँ सर। तो मैंने ना ये वाला मंगाया इस बार, हगीज वंडर पैंट्स। वैसे मैं ना पैम्पर्स की मंगाती हूँ, टेप वाले डायपर, लेकिन मैंने सोचा इस बार पैंट वाले मंगा के देखती हूँ, इसलिए छोटा पैक मंगाया है। देखूंगी कैसा होता है, अच्छा होगा तो मैं दोबारा और मंगाऊंगी, और अदरवाइज वही पैम्पर्स वाला ठीक रहता है। तो पंजीरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और इसमें मैंने ना सौंफ और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, मेथी दाना और भी बहुत सारी चीज़ें डाली है, हरड़, पीपल, ये सब चीज़ें मम्मी ने मिक्स की हैं, इनको मैंने दरदरा कर लिया है, ये ऐड करेंगे दरदरा करके पीस के। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी पीसने हैं, मखाने भी पीसने हैं, मखाने मैंने रोस्ट करके रखा है। पंजीरी बनाना मुझे नहीं आता, मम्मी जैसे जैसे बता रही है ना, तो मैं वैसे वैसे कर रही हूँ और दिखाने की कोशिश करूंगी कि कैसे कैसे बनता है। तो इस तरह का कुछ पाउडर बनाया है मैंने, हल्का दरदरा करके। और ये है डेट्स, जो ड्राई वाले डेट्स होते हैं ना, उसको सिलबट्टे में कूट के हमने बनाया, क्योंकि ये मिक्सर में हो नहीं पाता, तो इस वजह से कूट के ये तोड़ा है हमने। और इसका नाम है, फिर से भूला था। और ये है पिस्ता, ये भी मुझे पीसना है। तो ये थोड़े से पिस्ता हैं, इसको भी मैं ग्राइंड करके रख दूंगी। और जो ये चिरौंजी है, इसको तो हम ऐसे डालेंगे साबुत। और इसके अलावा मखाना मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे थे, तो इनको भी मैं डाल दूंगी, इनको भी ग्राइंड कर लेंगे, तो एकदम से पाउडर बन जाता है इनका, टाइम नहीं लगता है इनको पाउडर बनाने में। जो खड़े मसाले मैंने ग्राइंड किए थे, उनको पाउडर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि वो थोड़े से हार्ड होते हैं। और मखाने का और सारे ड्राई फ्रूट्स मैं एक साथ डाल के ग्राइंड कर दूंगी। और ये बादाम, साथ में काजू, ये सारी चीज़ें मैं पीस के रख लूँगी। हल्का सा दरदरा, मतलब एकदम फाइन पाउडर भी नहीं बनाया, हल्का सा इनको दरदरा बनाया था। गुड मॉर्निंग, आज हो गया है वेडनेसडे और सुबह के 11:30 बज रहे हैं। कल के बाद ना मैं व्लॉग अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि शाम के बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और पंजीरी भी हमारी बन नहीं पाई है, आधी पंजीरी बन के रखी है, मतलब सारी चीज़ें हमने ग्राइंड करके रख ली हैं, जो जो भी चीज़ें उसमें चाहिए, और बस उसे हमें भून के बनाना है, तो वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और फिलहाल तो घर के काम ही चल रहे हैं हमारे, मम्मी कपड़े वॉश करके छत में लेके गई हैं धूप में डालने के लिए, और स्वास्तिक के कपड़े हम पीछे बालकनी में डालते हैं, वो छत में नहीं डालते, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े ना उड़ जाते हैं, हवा बहुत तेज चल रही है आजकल, तो हमारे जो बड़े वाले कपड़े होते हैं वो छत में डालते हैं, बाकी छोटे वाले कपड़े हम पीछे बालकनी में डाल लेते हैं। और मैं अभी काम कर रही हूँ, सुबह से रेडी होने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ना स्वास्तिक उसको क्या सुबह के टाइम पे क्या होता है ना, कोई एक जना उसको साथ में चाहिए सोने वाला, तब जाके उसको नींद आती है। तो अभी मैं उसको सुला के आई हूँ बड़ी मुश्किल से, आज उसको नहलाया भी था, हम उसको डेली नहीं नहलाते हैं, तो तीसरे दिन या चौथे दिन नहलाते हैं, बाहर पे कुछ बेचने वाला है तो ऐसा रहता है। और मैंने भी नहा के चेंज कर लिया है, बस मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, बालों में तेल ऐसे लगा हुआ है, तो मैं ना कॉम कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। और उसके बाद टाइम मिलता है तो आज हम पंजीरी बनाएंगे। हाउस हेल्पर भी आई नहीं है, तो किचन अभी क्लीन नहीं हुआ है, तो जब किचन क्लीन होगा, थोड़ी सी जगह होगी किचन में ना, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। फिलहाल अभी हम अपने घर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, थोड़ा सामान वामान अरेंज किया, डस्टिंग करी, और स्वास्तिक को सुलाया, सबसे पहले तो उसको नहलाया, मालिश करी, फिर उसके बाद उसको सुलाया, थोड़ी देर धूप दिखाई, तो ऐसा रूटीन चल रहा है आजकल हमारा। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, उनको टिफिन वगैरह पैक करके दे दिया है, खाने पीने का हमारा सारा इंतजाम हो गया है, सुबह हम लोग लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ बना लेते हैं, तो ऐसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं आजकल, थोड़ा बहुत हो रहा है आजकल। तो चलिए मैं सबसे पहले कॉम कर लेती हूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और आप लोगों को नामकरण की फोटोज और मैटरनिटी फोटोशूट काफी ज्यादा पसंद आई, बहुत सारी विशेज आ रही थी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, पढ़ के बहुत अच्छा लगा, लेकिन रिप्लाई करने का टाइम ना आजकल बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, तो ये आप लोग भी समझ सकते हो। तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ कि मैं सबकी रिप्लाई तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जिस जिसका हो पाता है मैंने थोड़े बहुत कमेंट्स के रिप्लाई किए, बाकी सारे कमेंट्स मैंने रीड किए हैं, सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, बहुत दिल खुश हो गया, और आप लोगों को मेरी क्रिएटिविटी अच्छी लगी। और इसके अलावा जो मैंने स्वास्तिक के लिए फुटप्रिंट्स लेने के लिए वो क्ले मंगाया था, और वो जो शीट मंगाई थी फोटोशूट करने के लिए,
तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो फर्स्ट मंथ वीडियो वाला इससे पहले जो ब्लॉग गया है उस वीडियो के नीचे भी लिंक इसका शेयर कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि उन चीज़ों का लिंक दे दो, हमें भी परचेस करना है, तो चेकआउट एक बार ज़रूर कर लेना। दिनों के बाद हमारे घर पे आई है बिल्लो। हाय बिल्लो, कैसी हो? ठीक, एकदम ठीक। आ जा, दिखाओ गोंद घी में। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है और हम लोग पंजीरी बना रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम मिला है हमें और स्वास्तिक सोया है, तो कुछ कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की, कुछ क्लिप्स ना मिस हो गई इसमें से, क्योंकि स्वास्तिक बीच में रोने लगा था, तो जितना कुछ शूट हो पाया मैंने उतना यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तो सबसे पहले हमने गोंद और जो भी कमर कस आप लोगों ने बताया था लास्ट वाले वीडियो में, मैंने आपको दिखाया था कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया था कि कमर कस है वो, तो वो भी हमने थोड़ा सा डाला था, वो भी फ्राई करके सारी चीज़ें निकाल दी थी। और इसके बाद ये है गेहूं का आटा, घर का पिसा हुआ, चक्की का पिसा हुआ गेहूं का आटा, जिसको दरदरा करके रखा था बहुत फाइनली, तो वो हम अच्छे से भूनेंगे। और ये है ड्राई वाले डेट्स, पंजीरी बनाने का सारा सामान, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ती हैं, कम से कम 20 या 22 चीज़ें हमने डाली थी। तो सबसे पहले गेहूं का आटा हम अच्छे से घी में भून के बहुत अच्छा सा डार्क कलर आना चाहिए, उसके बाद हम सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जितने भी खड़े मसाले ग्राइंड करके रखे थे वो सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। के 4 बज गए हैं और पंजीरी ना बन के तैयार हो गई थी, दोपहर में ही तैयार हो गई थी, लेकिन मैं पूरी रेसिपी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बाहर कोई आ गया था ना, तो इस वजह से। और पूरी कढ़ाई भर के ये पंजीरी बनी है, बहुत हैवी भी हो रहा है, तो चाहो तो इसका लड्डू बना के रख सकते हो, या फिर चाहो तो इस तरह ही स्टोर करके रख सकते हो। थोड़ा थोड़ा डेली सुबह शाम खाऊंगी मैं इसको, और ये बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इसको स्टोर करने के मेरे पास डब्बे नहीं है, तो खाली करना पड़ेगा इनमें से कुछ आइटम, तो इनको स्टोर करूंगी मैं डब्बों में फिल करके, और उसके बाद इसको खाएंगे। तो मम्मी ने काफ़ी मेहनत से बनाया है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको भूनने में, बड़ा बर्तन हमारे पास था नहीं तो इसी कढ़ाई में हो पाया, तो थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा करके हमने फ्राई किया, और खूब सारा घी, मतलब ये पूरा डब्बा हमने घी इसमें यूज़ कर लिया है, 2 kg का ये डब्बा है, मम्मी घर से लाई थी, तो ये पूरा घी हमने इसमें यूज़ कर लिया है पंजीरी बनाने के लिए। खूब सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारे क्या कहेंगे खड़े मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, हरड़, पीपल और चिरौंजी, कलौंजी और भी बहुत सारी चीज़ें, 20-22 चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, तो सब चीज़ों से मिला के ये पंजीरी बनी है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, तो गर्म पानी की बोतल में फिल करके रखती हूँ, मैं ठंडा पानी नहीं पीती वैसे भी, और अब तो गर्म पानी ही पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। और इसमें मैंने अजवाइन का पानी बना के रखा है, तो ये भी मैं पीती हूँ। ये 3 डब्बों में आई है, ये वाला कंटेनर खाली था, ये भी खाली था, इसमें दाल रखी थी थोड़ी सी, तो वो मैंने खाली कर दिया, और बहुत टेस्टी बना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने दिन में खाया दूध के साथ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये 3 डब्बे भर के पंजीरी तैयार हो चुकी है, और इसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं डिनर की। तो डिनर के लिए मम्मी और हस्बैंड के लिए ये बनेगा आलू गोभी मटर, और मैं अपने लिए बनाऊँगी टमाटर का सूप। मम्मी बाहर पे आग जला रहे हैं और मैं सब्जी काट के रख देती हूँ तब तक। स्वास्तिक को मैंने अंदर सुलाया है, वो सो नहीं रहा है, लेकिन आंखें खोल के ना इधर उधर देख रहा है, तो मैंने क्या किया टीवी पे भजन चला दिए हैं, एकदम कम वॉल्यूम पे भजन भी चल रहे हैं, वो आराम से सुन भी रहे हैं उनको, तो इस तरह से मैं काम कर रही हूँ। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, होपफुली आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।